सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता दुखी है, गुस्से में है, नाराजगी में है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए उनको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी, उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई, काफी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई ने ईडी ने जो कार्रवाई की है वो दुर्भावना से की है, राजनीति से प्रेरित होकर की है, पिंजरे में बंद तोते की तरह काम किया है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है पिछले 10 सालों में, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए।
हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया है, कई बार उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाया गया, कहीं कालिक फेंकी गई, कहीं हमला किया गया, चोट पहुंचाई गई, ये सारा कुछ हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि यह घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारी रक्षा भगवान करेगा, ईश्वर करेगा। मैं 6 महीने जेल में रहा, खूंखार अपराधियों के बीच में रहा, लेकिन बावजूद इसके ईश्वर ने मेरी रक्षा की, ईश्वर ही मेरी रक्षा करेगा, मुझे घर की कोई चिंता नहीं। तो उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे, अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। लेकिन सवाल आज अरविंद केजरीवाल मात्र का नहीं है, सवाल है दिल्ली की 2 करोड़ जनता का। अरविंद केजरीवाल के साथ तो जो बीजेपी वाले कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, खुली आंखों से देख रहे हैं, झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जेल में उनको पकड़ के डाल दिया, उनके शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आपके आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल ने अपने हौसले से उनकी इस राजनीति को जवाब देने का काम किया। अब समय आपका है, दिल्ली के लोगों का है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली के लोगों का क्या होगा, जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है वो शिक्षा बंद हो जाएगी। 27 साल हो गए गुजरात के अंदर, 1 भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जिसमें प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा सके और दिखा सके कि यह हमारा सरकारी स्कूल है। उनको टेंट का स्कूल गुजरात में अहमदाबाद में चुनाव के दौरान बनवाना पड़ता है दिखाने के लिए। 1 स्कूल नहीं बनवा पाए देश के प्रधानमंत्री 27 साल के शासन के बाद गुजरात के अंदर। पूरे देश में बताइए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में जो स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनवाया, ऐसा 1 स्कूल किसी राज्य में बनाओ। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं, 9 दिन तक LG के घर पर धरने पर बैठ के कहते हैं नहीं मोहल्ला क्लिनिक की फाइल पास करो। अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। फ्री बिजली लोगों का सपना था। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल जी जाते थे, लोग हाथ पकड़ लेते थे, कहते थे हमारी झुग्गियों में हजारों का लाखों का बिल आया है केजरीवाल साहब। वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री बिजली किया, हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला मुख्यमंत्री जिसने फ्री में लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम किया वो अरविंद केजरीवाल है।
अगर जिस दिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो ये फ्री बिजली की सुविधा भाजपा बंद कर देगी, फ्री पीने का साफ पानी, 24 घंटे फ्री बिजली, फ्री पानी, और इन सब के बावजूद मुनाफे का बजट दिल्ली को दिया। माताएं बहनें जो हमारी मजदूरी करती हैं, हमारी बच्चियां जो कॉलेज में जाती हैं, जिसका पिता रिक्शा चलाता है, ठेला लगाता है, वो सुबह उठता था तो अपनी जेब की तरफ देखता था, बेटी को स्कूल भेजना है, कॉलेज भेजना है, जेब में पैसा होगा तो बेटी कॉलेज जाएगी वरना नहीं जा पाएगी। इस दर्द को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, मजदूरी करने वाली हमारी माताओं के लिए बस की यात्रा फ्री होगी। केजरीवाल नहीं होंगे तो ये बस की यात्रा की फ्री सुविधा खत्म होगी। इसलिए दिल्ली के लोगों आपको तय करना है, ये सारे काम, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा, और बुजुर्गों के लिए श्रवण कुमार बनके उनकी तीर्थ यात्रा कराने का जो संकल्प और काम पूरा किया है अरविंद केजरीवाल ने, भारतीय जनता पार्टी ये सारी की सारी सुविधाएं बंद करेगी, समाप्त करेगी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और बीजेपी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं घूम घूम कर कि मुफ्त की सुविधा समाप्त होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए, मुफ्त की सुविधा तो मिलनी ही नहीं चाहिए। ये तो केजरीवाल है जिन्होंने कमाल करके दिखाया, सारी सुविधाएं देने के बावजूद मुनाफे का बजट दिया दिल्ली में। केजरीवाल ने एक नहीं अनेक बार कहा है कि दिल्ली के अंदर अब तक जो सरकारें थीं उन्होंने आपको धोखा देने का काम किया, खजाने में पैसे की कमी नहीं है, सरकारों की नीयत में कमी थी। और उन्होंने साफ नीयत से, ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को अब संकल्प लेना है, दिल्ली के लोगों को अब जवाब देना है। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी का, प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला नेता है, पहले नेता है अरविंद केजरीवाल जो सीना ठोक के कह रहे हैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अपनी ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपनी सच्चाई के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक नेता पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, पूरे इतिहास में बता दो आप। तो इसलिए अब वक्त है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का, उनको जवाब देने का। इस समय 2 करोड़ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का, कुचक्रों का जवाब अपने वोट की ताकत से दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी बात कहना चाहता था और आगे और कोई सूचना होगी तो मैं आपके साथ उसको शेयर। सर, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते अरविंद केजरीवाल घर के लिए एंटाइटल्ड हैं क्या? उन्होंने कोई घर की डिमांड की है? देखिए, अभी जो जानकारी मेरे पास है मैंने आपको बता दी। निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कई और नेताओं को घर मिले हैं, लेकिन अभी वो सवाल नहीं। अभी तो जो मेरे पास जो जानकारी थी अभी मैंने उसको बताया। सर, क्या क्या सुविधाएं एक मुख्यमंत्री को मिलती हैं जो वो त्याग रहे हैं, थोड़ा बता दें जनता के नॉलेज के लिए। अरे भाई, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, घर गाड़ी सब त्याग देंगे, एक एक चीज आपको पता चलेगा।